हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम इसमें ये जो एलईडी बल्ब है तो इसका ड्राइवर ख़राब हो चुका है, तो आज हम इसका ड्राइवर बनाने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और ड्राइवर जो है वो बहुत ही कम कंपोनेंट्स में बनने वाला है, बहुत ही कम कंपोनेंट्स में बनने वाला है। और दूसरा, ये एक ऐसा ड्राइवर नहीं रहेगा कि वो 2 दिन या 3 दिन चले और उसके बाद में दोबारा हमारा ये जो पीसीबी होता है ये एलईडी वाला ये ख़राब हो जाए। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्राइवर बनाने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए उसके लिए ये एक कैपेसिटर है और एक चाहिए हमें ये रजिस्टर और कुछ चाहिए हमें डायोड्स। तो कुछ चाहिए हमें डायोड्स चाहिए। तो जो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो नंबर है आप देख सकते हो, 250 वोल्ट में 105J है, 105J, J फॉर जोकर, ठीक है। तो ये है, और ये जो हमारा रजिस्टर है ये 47K का है, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर है, आप देख सकते हो, कलर कोडिंग देख सकते हो इसकी। और डायोड सिंपल जो हमारे डायोड्स होते हैं वो है। तो बस ओनली यही हमारे पास जो 4 कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। इसके बाद में एक हमें एक सिंपल कैपेसिटर की नीड रहेगी। डायोड से हम एक ब्रेजर रेक्टिफायर बनाएंगे सबसे पहले। और आई होप आप ब्रेजर रेक्टिफायर तो आपको सर बनाना आता ही होगा, और इस टाइप से ब्रेजर रेक्टिफायर बना लेंगे। और दूसरा काम हमें करेंगे कि कैपेसिटर लेंगे, और कैपेसिटर में ये जो 47 किलो का जो ये 47 किलो का ये जो है रजिस्टर वो यूज़ करेंगे। तो इसको हम पैरलर में लगाएंगे कुछ इस टाइप से। तो ऐसे हमें पैरलर में ये लगाना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है, और ये हमें लगाना है ये जो इसको डिस्चार्ज करने के लिए, ये हम लगा रहे हैं इसको डिस्चार्ज करने के लिए लगाते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स जो ये है, फ्रेंड्स इसमें जो प्लस माइनस का जो ये वाला हिस्सा है, एसी वाले जो पॉइंट्स है उसमें ये वाला हिस्सा, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं, ये वाला या ये वाला कोई सा भी एक हम यूज़ कर सकते हैं। एसी में सारा कॉमन होता है, एसी जो करंट होता है उसमें कॉमन होता है। तो ये वाला हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, और आपका एक वाला हिस्सा, एक हिस्सा हम इसमें लगाएंगे। तो इस टाइप से लगाएंगे इसको टाइट करने के लिए, थोड़ा मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से मैंने इसको बना लिया है। तो एक हिस्सा हमें ये हो गया। दूसरा फ्रेंड्स, जो हमें जो कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर है, ये जो वोल्ट इसका है ये 160 वोल्ट में है और 1 UF का है, 1 UF का 160 वोल्ट में है। तो इसको हम पैरेलल लगाएंगे, ये जो प्लस माइनस का पैरेलल दिख रहा है आपको फ्रेंड, तो यहाँ हम पैरेलल लगाएंगे। और इसका जो कैपेसिटर का एक पॉइंट है, यहाँ हमें एसी करंट जो होता है, एसी करंट का एक वायर यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा इनपुट आएगा। तो ये हमारा रहे। और दूसरा फ्रेंड्स, जो एसी का हमें यहाँ लगाना है इस वाले में, ये जो डायोड है उसका दूसरा हिस्सा यहाँ इसमें लगाना है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो हमारा जो सर्किट है वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। और फ्रेंड्स ये जो दूसरा कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर जो हम लगाएंगे ये डीसी कैपेसिटर होता है और ये एसी कैपेसिटर होता है। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वाला है हिस्सा, ये जो माइनस होता है कैपेसिटर में, और इसके जो दो ब्लैक हैं आप देख सकते हो, दो ब्लैक वाले, ये यहाँ वाला, तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा ये वाला और ये इसमें ब्लैक वाले में लगेगा। तो कुछ इस टाइप से मैं लगा देता हूँ।
और एक यहाँ लगा देता हूँ इसमें, ये वाला हिस्सा। इसको फ्रेंड्स बाद में मैं दोबारा, हमारा ये जो सर्किट है बाद में हम बल्ब जो होता है, ये जो एलईडी बल्ब है उसमें बाद में इसको लगाएंगे, शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैं इसको आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैंने इसको लगा दिया है और ये हमारा सर्किट रेडी हो चुका है। और इसका जो आउटपुट है वो यहाँ से निकलने वाला है, दो आउटपुट निकलने वाला है। आउटपुट निकलने के लिए जो जो ये वाला है जो बल्ब है, इसी के जो मैं हटा लेता हूँ वायर्स, ये प्लस है ये माइनस है, दो वायर हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। प्लस वाला वायर प्लस में लगा देंगे, ये वाला हमारा प्लस का है। और माइनस में एक वायर और लगाएंगे, और ये वाला इस जो माइनस है उसको हम माइनस में लगा देंगे। फ्रेंड्स ये जो हमारा सर्किट है वो रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मैंने एसी करंट में हमने वायर लगा दिया है और हमारा जो सर्किट है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको ऑन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ से इसको ऑन किया और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा जो सर्किट है काम करने वाला है। बहुत ही अच्छी सर्किट ये आप देख सकते हो, बहुत ही ब्राइट लाइट है, जो इसकी लाइट जो है बहुत ही ब्राइट काम कर रही है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सर्किट हमारा काम कर रहा है। इसको हम ये सर्किट है इसको हम ये जो हमारा केसिंग है ये केसिंग में शिफ्ट कर देंगे और शिफ्ट करने के बाद में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें सर्किट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ये जो है बहुत ही सर्किट सेफ है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो आप इसको बिंदास यूज़ कीजिए। आप इसको आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाने में भी बहुत इजी है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, 5-10 रुपए में ये आपका जो सर्किट है वो रेडी हो जाता है। तो आप इसको बनाइए और यूज़ कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।